नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडरा रोड छत्तीसगढ़ पर संस्कृत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मैं जो वीडियो बना रहा था वो 10वीं का पाठ 2 बुद्धिर्भगवती सदा, उस विषय पर मैंने पहले दिन आपको कहानी के माध्यम से पाठ को समझाया। दूसरे दिन मैंने आपको पाठों में मैंने आपको उस कहानी का सार बताया और आज मैं उसी कहानी का जो पाठ 3 है जो श्लोक के माध्यम से आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो इस श्लोक को ध्यान से देखेंगे, फिर इसका हम अर्थ करेंगे और अर्थ के बाद कुछ इसी श्लोक में नई चीजें बताऊंगा जो आप के परीक्षा में अन्वय के रूप में आता है। तो हमें उसे भी समझना है कि ये श्लोक इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर इसका अन्वय जब हम करेंगे तो उसका अन्वय किस तरीके से आता है। तो अन्वय का भी सार आपको बताऊंगा कि अन्वय जो होता है अर्थ के आधार पर लिखा होता है और उसी अर्थ के आधार पर बीच में जो कुछ शब्द होते हैं वो मंजूषा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो वो आप उन्हीं मंजूषा को देख करके हम उसको उस अन्वय में फिल करते हैं। तो जो हमारा श्लोक था, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम् पुरा, फिर से ध्यान देंगे, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम् पुरा विश्वासस्य अद्वैत मानीय कथम यासि वदाधुना। कितना अच्छा है ये श्लोक। मैं आपको बताया था कि जब राजा की पत्नी अपने बच्चों को लेकर जा रही थी अपने पिता के घर, उस समय उस घने जंगल में पहले शेर मिला। उस शेर को राजा की पत्नी ने अपनी बुद्धि की चतुराई से भगा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात एक सियार पुनः उस शेर को कुछ विश्वास दिलाकर कि चलो मैं देखता हूं कैसे एक शेर होकर जंगल के राजा होकर तुम उस साधारण सी राजा की पत्नी के सामने डर गए। तो पुनः शेर जो है जब आता है तो उसने देखा, किसने देखा, राजा की पत्नी ने, बुद्धिमती ने देखा। तो पुनः उसने अपने बुद्धि की चंचलता से शेर को छोड़कर सियार के लिए उसने कहा और वो इस श्लोक की प्रयोग किया, रे रे, रे रे कहा जाता है अरे अरे, धूर्त का सबको पता है धूर्त मीन्स होता है मूर्ख, त्वया त्वया तृतीय विभक्ति एकवचन की है मीन्स तुम्हारे द्वारा, दत्ता मीन्स कहा गया था दिया गया था, मह्यम माने मुझे, चतुर्थी विभक्ति एकवचन है मह्यम मुझे, व्याघ्र माने बाघ, त्रयम मतलब तीन बार, अपुरा मीन्स होता है पहले या प्राचीन काल या बहुत पहले से। दूसरा शब्द है विश्वास से अद्वैत मानिए, इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है विश्वास, धन अस्य धन एक धन आनीय, इस प्रकार से इसका हम संत विग्रह करेंगे तो आ जाएगा विश्वास मीन्स होता है विश्वास दिलाना, अद्य मीन्स होता है आज, एक मीन्स होता है एक, आनीय मीन्स होता है लेने के लिए लाने, कथा मीन्स कैसे, यास या धन असि और वद, इसका संत विच्छेद करता हूं, ध्यान दीजिएगा, वद मीन्स होता है बोलना,
बल मीन्स होता है घोलना, और अधना मीन्स होता है अब। तो अब इसका अर्थ है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। रानी ने कहा, बुद्धिमती ने कहा अपनी चतुरता से, क्या कहा? अरे अरे धूर्त, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त सिया, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रपुरम, व्याघ्रत्रयम् पुरा, पुरा मीन्स पहले से, जब पुरा को हम पहले ले आएंगे। अरे अरे मूर्ख, तुमने पहले ही मुझे तीन बाघ देने के लिए कहा था। क्या कहा उसने? कि अरे अरे मूर्ख सिया, तुमने पहले ही मुझे तीन बाघ देने के लिए कहा था। विश्वास अद्य एकम आनीय, तुमने विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हें तीन बाघ दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे एक बाघ लेकर आ रहे हो। कैसे? कथम? कैसे? वदाधुना, वद मीन्स बताओ, अधुना मीन्स अब, अब बताओ। अब ये इसका अर्थ हुआ। अब मैं आपको बताया था कि इसमें से मैं इसी श्लोक से आपको मैं बताऊंगा इसका अन्वय। अन्वय कैसे करेंगे ये ध्यान देंगे। अन्वय में रूपवती, यहां मैं लिखता हूं, ध्यान देंगे इसी में से अन्वय है। बुद्धिवती क्या है? बुद्धिवती च स्त्री, बुद्धिवती च स्त्री स्व पुत्रौ, बुद्धिवती च स्त्री स्व पुत्रौ नीत्वा मार्गे, नीत्वा मार्गे नीत्वा मार्गे दृष्ट्वा अतीव, दृष्ट्वा अतीव औदत, औदत यत्रे दृष्ट श्रृंगा, यत रे दृष्ट श्रृंगा, दृष्ट श्रृंगाल, दृष्ट श्रृंगाल त्वया पूर्व मह्यम, त्वया पूर्वं मह्यं दर्शस सिंघा आनीता, सिंघा आनीता परम संप्रति कथम एका, परम संप्रति कथम, कथम एका इति कथय, इति ये इस श्लोक का अन्वय हुआ। अन्वय इस हिंदी अर्थ हुआ संस्कृत के माध्यम से। इसमें आप देख रहे हैं एक दो तीन और चार, चार ब्लैंक हैं। ये चारों ब्लैंक में एक संस्कृत में होती है मंजूषा। मंजूषा का मतलब है जो आप देखते हैं हेल्प बॉक्स
के रूप में दिया रहता है, उसमें वो शब्द दिए हैं। वो शब्द में यदि मैं आपको दे दूं तो शब्द है त्रयः श्रृंगालम, त्रयः श्रृंगालम, त्रयः श्रृंगाला, आनीता और लोभे, आनीता और क्रोधे, ये आपके अन्वय हैं। अब इन्हीं चारों को ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चारों शब्द में से कोई ना कोई इन हेल्प बॉक्स में आएंगे। तो आप ध्यान देंगे कौन सा पहले आएगा, त्रय माने तीन, श्रृंगाला मीन्स सियार, अनीता मीन्स लाने के लिए, क्रोधे मतलब क्रोध से। ये चार शब्द हैं, मतलब चलते हैं इसमें। बुद्धिवती चा स्त्री स्वपुत्र, बुद्धिवती अपने दोनों पुत्रों को, बुद्धिवती नाम की स्त्री अपने दोनों पुत्रों को नित्वा मीन्स लेकर मार्गे रास्ते में क्या देखा, श्रृंगाला दृष्टवा, श्रृंगाला यहां आ जाएगा एक नंबर पे, श्रृंगाला दृष्टवा अतीव, जैसे उसने सियार को आते हुए देखा तो अत्यंत क्रोधे, क्रोध से दो नंबर हो जाएगा, क्रोध से बोला यत रे, अरे दृष्ट सियार, अरे मूर्ख श्रृंगार, त्वया पूर्वम मह्यम, त्वया मीन्स तुमने पहले ही मुझे कितने शेर लाने के लिए कहा था, तीन, तो त्रया, त्रया सिंहा, तीन शेर लाने के लिए कहा था, परम संप्रति कथम एका इति कथय, परंतु तुमने एक ही लाया, अनीता में लाया, परंतु तुमने एक ही लाया है, ऐसा क्यों। तो देखिए यदि हमसे इस श्लोक का बहुत अच्छे से आप बनेगा तो हम उसका अन्वय करेंगे, जब अन्वय हो जाता है तो अन्वय के ही माध्यम से हमारा ये एग्जाम में एक दो तीन चार सीधा सीधा चार नंबर का आता है, एक श्लोक है। लेकिन यदि हमसे श्लोक का अर्थ नहीं बनेगा तो अन्वय नहीं कर पाएंगे, अन्वय नहीं कर पाएंगे तो हमको इसका फिल्म बेंच नहीं बनेगा। तो एक तो ये हुआ, ये इस पाठ में हमें देखेंगे कि जहां भी श्लोक आएगा तो हमें श्लोकों का सही तरीके से अर्थ जानना है। यदि हम अर्थ जानेंगे तो हमारे लिए अन्वय का काम करेगा, जब अन्वय जानेंगे तो मीन्स हमारा दो से चार नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक तो एग्जाम के लिए हुआ। दूसरा, इस पार्ट में लास्ट कंक्लूजन में आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम बुद्धि के बल से अपनी चतुरता से यदि कोई काम करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने बुद्धि के बल का परिचय देना है, दूसरा अपने बुद्धि की शक्ति को विकसित करना है, तीसरा बौद्धिक बल के प्रयोग से जीवन में आई हुई विषम परिस्थितियों का सामना करना है, और शारीरिक बल की कमी होने पर भी बौद्धिक बल के प्रयोग से सफलता को प्राप्त करना है। यदि बौद्धिक बल और वाक्पटुता, वाणी की चतुरता मन में है, दिमाग में है, व्यक्ति के अंदर है, तो निश्चित वो सफल होता है और ये पाठ हमें इसकी शिक्षा देता है। तो मैं आशा करता हूँ ये पढ़ाया गया पाठ आपके जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।